आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पहाड़ों पर बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जी हां, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में भी इस वक्त बारिश से ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में सुहाना मौसम हो गया है, तो कहीं भारी बर्फबारी के चलते रास्ते बाधित हो गए हैं। ऐसे में हम आपको उत्तराखंड के 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस समय बारिश और तेज बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो चमोली की तस्वीरें देख रहे हैं, नैनीताल की, रुद्रप्रयाग की, उत्तरकाशी और पौड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि पर्यटकों के लिए तो मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर रहते हैं, जो कामकाज करते हैं, उनके लिए समस्याएं कहीं ना कहीं अब खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, तो ऐसे में काम करने में भी समस्या हो रही है। तो ऐसे में इन सभी 5 तस्वीरों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर कहां पर किस तरह की बर्फबारी हुई है, कितनी ज्यादा बारिश हुई है और किस तरह से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली खबर का रुख करेंगे और पहली तस्वीर का जिक्र करेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में अभी तक 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। केदारनाथ धाम में चल रहा पुनर्निर्माण का काम भी अब बर्फबारी की वजह से ठप पड़ गया है, जबकि कार्यों में लगे मजदूर भी अब नीचे लौटने लगे हैं। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं केदारनाथ की, जहां पर कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है ये देखा जा सकता है। इस बर्फबारी से मौसम तो सुहाना हो गया है, ठंडा हो गया है, लेकिन तापमान में भी बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। ऐसे में जो वहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, उसमें जो मजदूर लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब वापस अपने अपने घर को लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाधित काम यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है। पानी कहीं कहीं जमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वहाँ पर उपलब्ध है, अभी मौजूद है, और मंदिर की सुरक्षा गार्ड भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं और उस पर नज़र बनाए रखें। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं केदारनाथ धाम की, किस तरह से केदारनाथ धाम मंदिर चारों तरफ से बर्फ की चादर में ढका हुआ है और सिर्फ हर तरफ ये बर्फ की चादर नजर आ रही है। और पर्यटक तो वहां पर घूमने के लिए पहुंच ही रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की अब इस बर्फबारी ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ये समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि इन तस्वीरों से जो बहुत ज्यादा अच्छी जगह दिख रही है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों की परेशानी भी उसी तरह से बढ़ गई है। तो बढ़ते हैं अगली तस्वीर की ओर, और क्योंकि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से सीमांत क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बद्रीनाथ धाम, हेमकुट साहिब ओली में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इसके साथ ही लोगों ने अलाव का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। तो ये बद्रीनाथ धाम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर आपको केदारनाथ धाम की दिखाई, दूसरी तस्वीर ये बद्रीनाथ धाम की है कि जहां पर कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। ये गाड़ियों पर बर्फ की चादर ढकी हुई नजर आ रही है, और साथ ही आपको बता दें कि शीत लहर का प्रकोप भी जारी है, जिससे लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान पड़ती हुई इस बर्फबारी की वजह से बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिससे ठंड भी और बढ़ गई है।
तो सीमांत क्षेत्रों में ये बर्फबारी हो रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे उत्तराखंड में ये बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि पर्यटक तो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूरे साल पर्यटक इस नज़ारे को देखने का इंतज़ार करते हैं कि कैसे अब जब ये मौसम आएगा, जब बर्फबारी होगी तो पहाड़ों पर जाएंगे घूमने फिरने के लिए। हालांकि पर्यटकों के चेहरे तो खिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके चेहरे पर मायूसी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो तस्वीरें आपको ये बद्रीनाथ धाम की दिखा रहे हैं और उसके आसपास के इलाकों की, क्योंकि ओली में भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम और ओली में बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों पर बारिश भी हुई, जिससे तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। इसके साथ आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब ओली में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जिसने निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी जारी कर दिया है। ऐसे में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर ठंड का ये टॉर्चर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से हम पूरे उत्तराखंड की तस्वीरें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर हो रही है और निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बारिश हो रही है, किस तरह की अभी पहाड़ी इलाकों पर स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग अलर्ट दिया हुआ था, उसके बाद से ही पूरे प्रदेश में मौसम ने करवट बदली थी। खासतौर से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, 3000 फीट से ऊपर के क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी बरसात हुई, जिसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हुआ, लेकिन पर्यटकों के चेहरे भी जरूर खिलते हुए नजर आए। और काफी भारी तादाद में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर पंजाब के जो पर्यटक हैं, वो उत्तराखंड की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे थे। और बहुत अधिक संख्या में जो पर्यटक हैं, जो मसूरी, नैनीताल, औली, चोपता जैसे क्षेत्रों में जो हिल स्टेशन है, जो घूमने की जगह, इन स्थानों पर पहुंचे थे। लेकिन आम जन मानस की बात करें, जो पहाड़ का व्यक्ति है, जो पहाड़ में रहता है, उसका रोजगार पहाड़ से चलता है, वो भी खुश था। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो जन समस्याएं हैं, जैसे ही बरसात आई और बर्फबारी हुई, उसके बाद जनजीवन जो पहाड़ का है वो अस्त व्यस्त हो गया, तो लोगों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि उनकी जो रोजमर्रा की चीजें थी वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही थी। कनेक्टिविटी मोबाइल्स की बेहतर नहीं चल पा रही थी, बिजली की समस्या उनको देखने को मिली, और कहीं ऐसे भी स्थान थे जहाँ बर्फ जमने के चलते वो लोग अपनी आवाजाही भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो अभी मौसम जरूर साफ नजर आ रहा है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून हो, या फिर पर्वतीय क्षेत्र हो, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे क्षेत्रों में। लेकिन इतना जरूर है कि बर्फबारी के बाद जो उम्मीदें हैं जो पर्यटक कर रहे थे कि बहुत ज्यादा अधिक संख्या में पर्यटक उनके क्षेत्रों में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उनका रोजगार फिर से चलेगा, वो स्थिति इस समय बनती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रदेश में कोरोना को लेकर बड़ी गाइडलाइंस बनाई गई है कि जो भी व्यक्ति डबल वैक्सीनेशन करवा के ना आया हो, सर्टिफिकेट उनके पास ना हो, उसको प्रवेश ना मिल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही या तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लानी भी अनिवार्य होगी, वो भी 72 घंटे पुरानी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कोरोना का जो असर है वो इन पर्यटक क्षेत्रों में भी देखने को मिला, और खासतौर से जो स्थानीय लोग हैं उन क्षेत्रों के, वो कहीं ना कहीं थोड़े मायूस कोरोना के चलते। बिल्कुल सुभाष, स्थानीय लोग तो मायूस हो रहे हैं, लेकिन खबरें ऐसी भी आ रही हैं, जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जहां पर ज्यादा बर्फबारी हो रही है वहां पर कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क पूरी तरह से कट चुका है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। उनको लेकर क्या अपडेट है कि कब तक रास्ता खोला जाएगा, कब तक बर्फ हटाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये जरूर है कि बर्फबारी के बाद जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाती हैं, और यही वजह होती है कि कनेक्टिविटी पूरी तरीके से दूर दराज के क्षेत्रों की बंद हो जाती है बरसात के मौसम में और इस सर्द में जब बर्फ गिरती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन है, जो SDRF की टीमें हैं, या फिर स्थानीय जो टीमें हैं, वो तमाम टीमें कोशिश कर रही हैं उन स्थानों को खोलने की। हालांकि ये जरूर है कि तमाम सभी पहाड़ी पर्वतीय जनपदों में, हर जिले में एक JCB मशीन जरूर लगाई गई है बर्फ को हटाने के लिए, और कोशिश की जा रही है जहां भी कनेक्टिविटी
पूरी तरीके से ठप हुई है, उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी वापस जोड़ने की और व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चलाने की। जी चलिए ठीक है सुभाष, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ऐसे में बर्फबारी पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, बारिश हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से जिले के उपला, टकनौर सहित मोरी और बड़कोट के ऊंचाई वाले गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कम तापमान की वजह से बर्फबारी वाले इलाकों में पाइपलाइन फट चुकी है। इस वजह से हर्षिल में उत्तराखंड पुलिस के जवानों और ग्रामीणों को भागीरथी नदी से जल आपूर्ति करनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें आप उत्तरकाशी की देख रहे हैं कि किस तरह से परेशानियां लोगों की बर्फबारी होने की वजह से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पाइपलाइन यहां पर टूट गई है, जिसकी वजह से हर्षिल के उत्तराखंड पुलिस जवानों और ग्रामीणों को भागीरथी नदी से जल आपूर्ति करनी पड़ रही है। तो लगातार सुभाष मेरे साथ बने हुए हैं। सुभाष, जिस तरह से उत्तरकाशी की हम तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बर्फबारी होने की वजह से पाइपलाइन टूट गई है, जहां से भागीरथी नदी का अब सहारा लेना पड़ रहा है पानी की आपूर्ति करने को लेकर, कब तक ये पाइपलाइन ठीक होगी और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर, क्या अपडेट है? बिल्कुल, कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही उन क्षेत्रों में, क्योंकि जो क्षेत्र है उत्तरकाशी का दुरुस्त क्षेत्र, खासतौर से यहाँ लगभग 12 महीने ही ठंडा रहता है, और खासतौर से जब यहाँ सर्दियों का मौसम रहता है तो जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है, और यही वजह है कि जो पाइपलाइन जैसी जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, वो जरूर यहाँ देखी जाती है। हालांकि पाइपलाइन टूटता ही नहीं, बल्कि यहाँ जो जो पानी उनके लोगों के आवास तक, घर तक पहुँचता है, वो भी कहीं ना कहीं सर्दी होने के चलते जम जाता है, और जिसकी वजह से जो लाइन है वो टूटती है। हालांकि प्रशासन भी कोशिश कर रहा है और स्थानीय लोग भी नदियों का सहारा ले रहे हैं और भागीरथी नदी से जो जल आपूर्ति है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी समस्या ये है कि इस मौसम में प्रशासन को उन क्षेत्र में उन लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि उन लोगों को इस मौसम में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सुभाष, लेकिन देखिए इस तरह की हम तस्वीरें हर साल देखते हैं और हर किसी को पता है कि इसी तरह से स्थिति बन जाती है जब भारी बर्फबारी होती है, तो उसके बाद भी प्रशासन क्यों पहले से इंतजाम नहीं करता, क्यों पहले से अलर्ट नहीं रहता? जी बिल्कुल, अलर्ट जरूर प्रशासन वहां नजर आता है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि बर्फबारी के चलते जो परेशानियां हैं वो जरूर वहां बढ़ती भी नजर आती है। हालांकि कोशिश प्रशासन की तरफ से जरूर की गई थी कि जो पाइपलाइन है, जो पानी की व्यवस्था है, वो लोगों के घरों तक की जाए, वो जरूर की गई, लेकिन क्योंकि मौसम इतना ठंडा था, इसकी वजह से वो जो पाइपलाइन है उनका जो पानी उस पाइपलाइन के अंदर था वो भी जम जाता था, बर्फ बन जाता था, और जब उसको खोलने की कोशिश लोग करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो पाइपलाइन है वो जरूर टूटती है, और यही वजह है कि लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सरकार को अब जरूरत है कि उन स्थानीय क्षेत्रों के लिए कोई बड़ी व्यवस्था की जाए, जिससे इस तरीके की समस्या आगामी दिनों में ना उन लोगों को झेलनी पड़े। जी ठीक है सुभाष, और इसके अलावा देखिए हम कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर लोगों को अलाव की जो है वो अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान माइनस में भी चला गया बहुत सारे इलाकों में। तो अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन के क्या कुछ किस तरह से इंतजाम है, क्या लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं पूरी? बिल्कुल, उत्तरकाशी एक पर्वतीय जनपद है, और पर्वतीय जनपद में अलाव की व्यवस्था जो शहरी क्षेत्र है, यानी कि जो उत्तरकाशी का मार्केट है, उन क्षेत्रों में जरूर जो उनकी पंचायत है वो करवाती है, लेकिन क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो उच्च हिमालय वाले गांव हैं, उन क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में लोग खुद ही अलाव की व्यवस्था करते हैं, लकड़ी जंगलों से लाते हैं और अलाव और अपने घरों में जो ये कहा जा सकता है चूल्हे की जगह लकड़ियों में ही इन दिनों खाना बनाते हुए भी लोग नजर आते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार जनपद हो,
उधम सिंह नगर जनपद के सभी विधानसभाओं, तो उन क्षेत्रों में जरूर प्रशासन और जो नगर निगम है या फिर नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जाती है। अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो ISBT में अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई जाती है, रेलवे स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई जाती है, और जो शहर के मुख्य चौराहे हैं उन तमाम सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम करता है। इसके साथ ही रैन बसेरे की भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में कराई जाती है, ताकि लोगों को ठंड से दिक्कत ना हो और लोगों को एक छत के नीचे सुलाया जा सके। जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं, जहां पर अब ग्रामीणों को समस्याएं होनी भी शुरू हो गई हैं। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड के इलाकों की। फिर से देखिए, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चमोली की, नैनीताल की, रुद्रप्रयाग की, उत्तरकाशी पौड़ी की। हालांकि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की तस्वीरों के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह की परेशानियां वहां पर लोगों को हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए नैनीताल और पौड़ी की तस्वीरों की भी बात करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में सुबह से ही तेज बारिश और तापमान में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते लोगों ने आग का सहारा लेना शुरू कर दिया था। ऐसे में पौड़ी, श्रीनगर, गढ़वाल, कोटद्वार और ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम भी काफी ज्यादा सुहाना हो गया है। तो पौड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज बारिश और तापमान में गिरावट आई है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें देखिए कि लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं, घरों में यह अलाव जलाकर लोग बैठे हैं, ताकि इस बढ़ती हुई ठंड से और तापमान में जो गिरावट है उससे बचा जा सके। चलिए पौड़ी से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बारिश की वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, क्योंकि तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। बिल्कुल, देखिए पारुल, मौसम विभाग का जो अपडेट था, मौसम विभाग ने जो 7 तारीख का अलर्ट किया था पूरे उत्तराखंड में, चाहे पहाड़ी इलाके की बात करी जाए या मैदानी इलाके की बात करी जाए, तो कड़ाके की सर्दी जो है इस समय पड़ी है। अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं पारो, तो लगातार पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र हमारे हैं, चाहे आपका बद्रीनाथ हो गया या हेमकुंड हो गया या ओली हो गया या आपका जो है जोशीमठ वाला इलाका, पूरा पैकअप जो है सफेद चादर जो है पहाड़ी में हो रही है बर्फ से, तो कहीं ना कहीं लगातार मौसम विभाग अपना अलर्ट करता है, उसका सीधे सीधा असर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। और अभी का मैं आपको अपडेट दे दूं पारुल, क्योंकि अभी जो है जनपद चमोली की बात करी जाए तो इन समय जो है चटक धूप यहाँ पे खिली हुई है, लेकिन हल्के बादल जो अभी भी आसमान में छाए हैं, तो एक कड़ाके की सर्दी जो है इस समय जो है जनवरी के महीने में आपको देखने को मिली है। और ज्यादातर जो पर्यटक जो है इस समय उत्तराखंड का रुख कर रहा है, क्योंकि शीतकालीन पर्यटक होता है, चाहे जनपद चमोली की बात हो या रुद्रप्रयाग की बात हो या नैनीताल की बात करें या पौड़ी की बात करें या मसूरी की बात करें, तो यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करी जाए, जो आपदा प्रबंधन टीमें होती हैं लगातार जो है गश्त करी है, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, तो अगर अलाव की अगर मैं बात करूँ पारू, तो अलाव की व्यवस्था भी जो चाहे होटल व्यवसाय हो या नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, तमाम सारे जो शासन, क्योंकि मौसम विभाग अलर्ट करता है 1-2 दिन पहले अलर्ट करते हैं, तो प्रशासन भी समय जागरूक हो जाता है। हालांकि पर्यटक इस समय उत्तराखंड का रुख जो है बर्फबारी को देखने के लिए कर रहा है। चलिए ठीक है पुष्कर, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पौड़ी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौसम ने किस तरह से करवट ले ली है, क्योंकि बारिश से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है, बर्फबारी जिस तरह से हो रही है उसकी वजह से भी लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली तस्वीर का जो नैनीताल से है, क्योंकि नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से ही आसमान में घने बादलों के साथ दोपहर से बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देर रात तक अगर बारिश जारी रही तो लोगों को सुबह आँख खुलते ही बर्फ के दीदार भी हो सकते हैं। तो ये नैनीताल की आप तस्वीरें देख सकते हैं, मौसम ने किस तरह से करवट बदली है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हालांकि पर्यटकों की संख्या नैनीताल में भी बढ़ती जा रही है, मौसम काफी ज्यादा सुहाना है, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पर्यटकों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानियां बारिश और बर्फबारी ने बहुत बढ़ा दी हैं। तो नैनीताल की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश से अब लोग घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि बारिश पड़ने से तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और पर्यटक जो भारी संख्या में पहुंच रहे थे उनमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर इस मौसम में पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते तो हैं नैनीताल में, और नैनीताल में तो सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटकों की तांता लगा रहता है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ नैनीताल से हमारे संवाददाता ललित जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर हो रही है, नैनीताल में बारिश हो रही है, किस तरह की समस्याएं लोगों को वहां पर आ रही हैं? ललित, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी ललित, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी ललित, जिस तरह से नैनीताल में बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है तो किस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं? नहीं, हमें बता दें सरोवर बंदी देर रात से कल से मौसम में करवट बदली थी जी, इसके चलते कल तो बारिश थी और देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा और जिससे ठंड भी बढ़ गई और लोगों ने क्या कहते गर्म कपड़ों का सहारा ले लिया। इधर प्रशासन ने अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है जी, जिससे क्या कहते हैं लोगों ने अलाव को सेक कर अपनी ठंड को दूर किया। जी जी बिल्कुल ललित, और ये जिस तरह से बारिश हो रही है तो क्या पर्यटकों की संख्या में कमी देखने के लिए मिली है या फिर इजाफा हुआ है पर्यटकों में? अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल तो मौसम करवट लेते रहता है, जैसे कि अभी तक का यहाँ पर घने बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि क्या कहते कितने भयंकर बारिश पड़ सकती है और अभी थोड़ी देर तक यहाँ पर मौसम सुहाना होने लग गया है और सूर्य देव का दर्शन देने शुरू कर दिए हैं। जी जी चलिए ठीक है ललित, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नैनीताल की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से मौसम तो काफी सुहाना हो गया है, साथ ही पर्यटक भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये आपने देखी पांच अलग अलग जगहों की पांच अलग अलग तस्वीरें जहां पर बर्फबारी और बारिश का माहौल है। ऐसे में आप भी मौसम का मजा लें और इसी के साथ ही सावधानी भी बरतें। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त मौसम को लेकर क्या जानकारी है। तो ऋषिकेश में मौसम का अपडेट बता दें, ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग सुक्की टॉप से लेकर गंगोत्री मंदिर तक कई स्थान बर्फ से अवरुद्ध हो गए हैं। इसके साथ ही भारी बर्फबारी ने जिले के हर्षिल मोरी बड़कोट और उपला तकनौर इलाके में जनजीवन को प्रभावित किया है। इसके अलावा आपको बता दें राजमार्ग अवरुद्ध रहने के साथ ही गंगोत्री और जिले के सीमावर्ती इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी जारी है। ऐसे में वहां पर भी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है। वहीं अगर बात अब देहरादून और पहाड़ी और मैदानी इलाकों की कर लें तो देहरादून सहित पहाड़ी और मैदानी इलाकों के निचले इलाकों में बारिश होने के साथ साथ बादल भी छाए रहे। इसके अलावा मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान
भी व्यक्त किया है। इसके साथ आपको बता दें कि 2200 मीटर और इससे ज्यादा की ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरने की भी संभावना है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि सावधानी और सतर्कता बरतने की, क्योंकि बर्फबारी जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में हो रही है और बारिश हो रही है उससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।